हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बैक चैनल पर। चले शुरू करते हैं। टिक के बाद वीडियो शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। पॉलिटिक में जा रही फौजी की तरफ से फौजी एक गेम आने वाला है जो पूरा पबजी के समान ही गेम देखने को मिल सकता है। उसमें आपको बालवेयर मैकेनिज्म देखने को मिल सकता है बहुत अलग स्पेसिफिकेशन के साथ। ये मतलब ये गेम जल्दी लॉन्च होगा, मतलब ये कैसा कहा जाएगा नवंबर के फर्स्ट वीक तक देखने को मिल सकता है। दूसरी टीम वन प्लस की तरफ से वन प्लस के दो फोन आज इंडिया मतलब यूएसए में लॉन्च हो रहे हैं, मतलब ग्लोबली लॉन्च हो रहे हैं। वन प्लस नॉर्ड N10 और नॉर्ड N100 दोनों ही फोन लॉन्च हो रहे हैं। नॉर्ड N10 आपको एक बजट रेंज में देखने को मिल सकता है, नॉर्ड N100 जो कुछ है 5G वाला वेरियंट देखने को मिल सकता है। और जो तीसरी टेक्नोलॉजी सैमसंग की तरफ से, सैमसंग ने एक ऐसा OLED डिस्प्ले लॉन्च कर दिया जिसमें आपको 1000 मतलब 10000 PPI वाला डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। OLED डिस्प्ले जिसमें आपको जो स्क्रीन रैंक पर बेहतरीन क्लियरिटी के साथ देखने को मिल सकता है। ऐसा कुछ सैमसंग ने अपना डिस्प्ले का मतलब डिजाइन कर दिया है। और जो चौथी टेक्नोलॉजी रेडमी की तरफ से, रेडमी K30S जो चाइना में लॉन्च होने वाला था उसका कंफर्म डेट निकल चुके हैं 27 अक्टूबर को, मतलब 27 अक्टूबर को लॉन्च हो जाएंगे। और इसका जो जनरल मैनेजर थे लू वेबिन जो मतलब स्वामी के, वो कंफर्म कर दिया वो जल्दी यही लॉन्च हो जाएगा रेडमी K30S। इसमें आपको 144Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल सकता है। और जो पाँचवीं टेक्नोलॉजी जा रही मतलब जो 5G मतलब जो अपना इंटरनेट का स्पीडिंग डाउनलोडिंग और अपलोडिंग जो स्पीड है वो इसका कंपेरिजन किया गया तो इंडिया का एक 131 रैंक देखने को मिल सकता है। और सबसे आगे मतलब इंडिया से भी आगे है पाकिस्तान और नेपाल। और जो छठे टुकड़ में जाए रेडमी की तरफ से, रेडमी नोट 10 जो 4G उसका 3 से 5.5 हो चुका है और उसमें आपको 22.5 फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल सकता है। ऐसा कुछ कंफर्म निकल चुका है। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब।